हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के चीले, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे बेसन छान रही हूँ। चीले बेसन से भी बनते हैं और आटे से भी बनते हैं। आटे के भी मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं बताऊँ तो मुझे आटे के बेसन से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे आटे वाले नहीं खाते हैं, बेसन वाले खाते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। और पहले तो वो प्याज और हरी मिर्च भी नहीं डलवाते थे, अब सिंपल बिल्कुल बेसन, नमक, मिर्च व बस ये डाल के उनको घोल तैयार करके बेसन का चीला बना के दे देती थी। लेकिन अभी जो है बच्चों में थोड़ा सा वो हो रहा है, बदलाव आ रहा है, तो वो प्याज और हरी मिर्च खाना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च, और मैं प्याज हरी मिर्च जो है थोड़ा बारीक बारीक काटने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी बहुत वो दोनों खा लेंगे, मिर्च तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, साइड में इधर उधर प्लेट में निकली हुई मिलेगी, लेकिन हाँ प्याज थोड़ा बहुत जो है खाने लगे हैं। और ये भी शुक्र है कि वो ये वाली चीज़ खाने भी लगे हैं, वरना जिस चीज़ में प्याज या हरी मिर्च दिखती थी तो गुड्डू और तन्मय खाते ही नहीं थे। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़े इसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाला है थोड़ा थोड़ा करके, जितना मुझे लगेगा उतना मैं डाल लूँगी। इसमें धनिया भी डलता और भी टेस्टी लगता है। मैं टमाटर भी डाल लेती हूँ, लेकिन टमाटर बच्चे दोनों बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो नहीं डालते, और धनिया भी। तो यहाँ पे तवा मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, तेज़ आँच की हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने घोल इस पे डाला तो गैस मैंने बिल्कुल कम पे कर दिया। तो मैं इसको फैला लूँगी, दो चीले बनाने हैं मुझे, ज़्यादा छोटे छोटे के चक्कर में मैं नहीं पड़ रही थी कि यहाँ पे बैठ के मैं खेल करूँ। तो एक मैंने तवे पे डाल दिया है, एक का मेरे पास भगोने में बच गया है घोल। घोल को मैंने जब घोला था उसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और ऊपर से पता चल जाता है चीले का कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, पलटना है कि नहीं पलटना है। थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया क्योंकि बच्चे जो है अंदगी उतार रहे थे कि मम्मी दो 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 करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट दिया है, और इस पर भी मैं घी लगा लूँगी, और थोड़ा साइडों से भी मैं घी छोड़ दूँगी ताकि नीचे अच्छे से घी पहुँच जाए और सिक जाए। घी में बना रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ पराठे वगैरह, किचन के हिसाब से। देखिए हम सारी चीज़ें अपनी रसोई में देख कर करते हैं, घर में देख कर करते हैं। घी अगर हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो हम हर चीज़ में घी यूज़ करते हैं, घी कम है तो हम उसी हिसाब से यूज़ करते हैं। हाँ, खाने में हमारे यहाँ घी डाला जाता है, और रोटी भी हमारे यहाँ चिपड़ी जाती है। कुछ लोग पूछते हैं आप रोटी पे घी नहीं लगाते हो, लगाते हैं। मैं अधिकतर अपनी रोटी पे घी नहीं लगाती हूँ, और सब्जी में, दाल में, सबकी में डाला जाता है। तो हमारा चीला जो है ये बनकर तैयार हो चुका है, मैं देकर आती हूँ बच्चों को। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी खिला देती हूँ, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए बेसन का चीला। और किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस किस को आटे का पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे पहले वाला बनाया है सेम उसी तरीके से मैं दूसरे वाला भी बना लूँगी। पहले मैं सोची थी ये वाला ज़्यादा लग रहा था मुझे घोल बचा हुआ, तो मैंने कहा इसके दो बना लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि नहीं एक ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने एक ही कर लिया है, इसको मैं चारों तरफ अच्छे से फैला लूँगी। शेप आप देख ही रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे ये क्या शेप है, पर ऐसा देखिए घर में होता ही है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाती है, और ना ही मैं मतलब कोशिश की, लेकिन क्या करें बिगड़ गई शेप। तो यहाँ पे मैं इसको सेक लूँगी अच्छे से घी वी लगा के, थोड़ा सा साइडों में भी छोड़ दूँगी घी, और ऊपर की साइड भी लगा लूँगी। तो ये अगले दिन का वीडियो है, जब मैं कल उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, मतलब कि मंगलवार में, बुधवार को इसको दोबारा से मैं चालू कर रही हूँ अपने वीडियो को रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं इस कमरे में, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। मैं आपको कैमरे से दिखा रही थी कि देखिए चकाचक मेरा घर पड़ा है। बड़ा अच्छा लगता है जब झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो जाती है, सब नहा वहाँ लेते हैं, सुकून सा मिलता है पूरे घर में सफाई देखकर। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। मैं आपके सामने इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैंने गाउन पहना हुआ है, तो मुझे थोड़ा गाउन में अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैं आलू बीन्स जो किचन से लेकर आई हूँ वो मैं बनाऊँगी। दो तीन दिन से कोई सब्ज़ी नहीं आ रही थी हमारे घर में। क्या होता है ना, कोई कुछ भेज देता है, कोई कुछ भेज देता है। जैसे इनके दोस्त ने भिंडी पकड़ा दी तो वो बन गई, सब्ज़ी नहीं मंगानी पड़ी। किसी ने मोहल्ले गांव में से कुछ दे दिया वो बना लिया, तो फिर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस करके जो है दो तीन दिन सब्ज़ी आई नहीं घर में। तो ये कल लेकर आए थे सब्जियां, रात भर मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, और फिर मैंने सुबह में दोनों सब्जियों को अच्छे से धोया। मैंने मंगाई थी शिमला मिर्च और बीन्स। तो यहाँ पे मैं पहले बीन्स बना रही हूँ, आलू बीन्स बनाऊँगी। बच्चों को आलू वाली चीज़ पसंद है, दो तीन दिन से आलू वाली नहीं बन रही थी, तो उनको लग भी रहा था कि आलू वाला कुछ बनाओ मम्मी। तो एकदम से मैं सब्ज़ी बनाने गई ही थी, कढ़ाई भी गैस पर चढ़ा दी थी, हुआ क्या कि एकदम से तबड़ दबड़ बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैं खिड़की बंद करने आई थी, और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी खिड़की में से ही कि देखो बारिश हो रही है, लेकिन ना उधर से दिख रहा था ना इधर से दिख रहा था। मैं परेशान हो रही थी कैसे दिखाऊँ कैसे दिखाऊँ।
तो मैं दिखा ही नहीं पाई कि देखो भाई बाहर बारिश हो रही है, लेकिन हाँ यहाँ से पता चल रहा है गीला गीला हो रहा है, लेकिन जितनी तेज़ बारिश है उतनी तेज़ पता नहीं चल रहा है। तो बस फिर मैं यहाँ पे खिड़की बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं खिड़की बंद करने के लिए ही इस कमरे में आई हूँ, क्योंकि अंदर जो है फुहार आ सकती है, जैसे बारिश इधर की होती है उधर की होती है, तो फिर थोड़ा डर रहता है। खिड़कियाँ मैं इसलिए खोलती हूँ, थोड़ी जैसे आजकल बरसात लगी हुई है तो स्मेल सी हो जाती है, तो सर्दियों में भी और बरसात में भी ज़रूर खिड़कियों को खोलना चाहिए। गर्मियों में तो हम लोग खोल ही लेते हैं हवा वगैरह के लिए सुबह शाम में, तो तन में यहाँ मस्ती कर रहा है अपनी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से बारिश दिखाने आ गई हूँ, मुझे चैन नहीं लगा, मैंने कहा नहीं मैं दिखा ही देती हूँ कि कितनी तेज़ बाहर बारिश हो रही है। सारा धोया था बाहर, कपड़े धोए थे जब, और सारे में झाड़ू पोछा हो गया था, लेकिन बारिश ने जो है थोड़ा सा गंदा कर दिया है, मतलब गीला गीला कर दिया है गेट की साइड पर, क्योंकि टीन है, लेकिन गेट की साइड हो या सीढ़ियों की साइड हो, उधर की साइड से थोड़ा सा बच रहा है। टीन के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, और नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं। जैसे बारिश हो रही है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, लेकिन पहले क्या होता था, जब टीन नहीं थी तो बारिश उधर तक आती थी, इधर चाची और के घर की साइड से भी इधर की साइड आती थी, चाहे इधर की बारिश हो उधर की बारिश हो, अंदर तक बरामदा गीला होता था, जो कि अब नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। तो बस मैं कपड़े जो है थोड़ा इधर इधर कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा बारिश ना आ जाए इधर, बारिश की जो पानी की महक होती है ना कपड़ों में अगर लग जाए तो बहुत ही गंदी सी महक आती है। तो देखिए कितना पानी पानी हो गया है यहाँ तक, क्योंकि इधर की साइड टीन इधर नहीं है ना। तो बस अंदर चलते हैं, और मैंने अपना मनी प्लांट इधर रख दिया है, मैंने कहा चलते चलते मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कढ़ाई में गैस पे पहले ही चढ़ा कर गई थी, तो यहाँ पे मैं कढ़ाई गर्म हो गई है तो तेल डाल रही हूँ, सरसों का थोड़ा सा डाला है। हाँ कुछ लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा तेल है, लेकिन इतना तो हम लोग खाते ही हैं। तो दूसरी गैस पे रख रही हूँ मैं कढ़ाई को, क्योंकि ये जो है नहा लिए हैं, इनकी मुझे रोटी बनानी है, बच्चे वगैरह सब पहले ही नहा चुके थे। तो मैं कढ़ाई गैस पे चढ़ा के तेल वगैरह डाल के गैस चेंज कर दिया, और इधर वाली साइड मैंने तवा चढ़ा दिया है। तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें हींग और जीरा डाल दिया है। जीरे का थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई हाँ जीरे का थोड़ा सा रंग चेंज हो तो मैं इसमें प्याज डालूँ, मतलब कि गोल्डन गोल्डन सा हो, काला तो मैं करती नहीं हूँ, या तो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए। तो प्याज डाल दिए हैं, प्याज को मैं थोड़ा भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज का रंग चेंज हो गया जैसे मुझे रखना है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैं डाल रही हूँ नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये चार जो कि मैं रोज़ाना में डालती ही हूँ। तो इसको मिक्स कर लूँगी मैं प्याज के साथ, और मिक्स करने के बाद बस जो मेरी सब्ज़ी है आलू बीन्स की वो मैं इसमें डाल दूँगी सारी। और सब्ज़ी डालने के बाद, आलू बीन्स डालने के बाद मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, प्लेट ढककर छोड़ दूँगी, और ये सब्ज़ी जो है थोड़ी बहुत देर में बनकर तैयार हो जाएगी। मेरी रोटियाँ भी मैंने साइड पर बनानी शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से सब्ज़ी चेक कर रही हूँ कि भैया बनी के नहीं बनी। तो सब्ज़ी जो है बन चुकी है, इसमें कुछ भी कसर नहीं है, 1% भी। मैंने आलू को भी चेक किया तो बढ़िया सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो मैं इनकी प्लेट लगाऊंगी, अब इनको सब्ज़ी दूंगी। इनको थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने कहा सब्ज़ी बनने दो। वैसे रात की दाल रखी थी, कल मैंने मसूर की दाल बनाई थी शाम के टाइम में। शाम के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे तोरी दाल, मूँग की दाल, मसूर की दाल, ये सभी बनाऊँ। तो इनको देती हूँ खाना में। बारिश का भी समझ में नहीं आता है, कभी बंद हो जाती है और कभी जो है शुरू हो जाती है। लेकिन अब मैं कपड़े जैसे हैं वैसे ही रहने दूंगी, सिर्फ रात को सोने से पहले वो गाड़ी अंदर आएगी तब उस टाइम से पहले मैं इनको ठीक करूंगी, बाकी अब जैसे पड़े हैं पड़े रहे, अब मैं इनको छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसी काम में मैं रह जाऊंगी, कपड़े बाहर कपड़े अंदर। और मैं जो है तैयार हो गई हूँ थोड़ा सा आप सभी लोगों के सामने आने के लिए। थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाई मैं दोबारा से, क्योंकि खाना बनाते क्या होता है बहुत बुरी तरीके से आप पसीनों में हो जाते हो। तो अभी जो है यहाँ मुझे चादर ठीक करनी है, ये कवर भी मुझे धोना है, कहीं ये फ़ोटो ख़राब ना हो जाए धो के, लेकिन धोना है क्योंकि गंदा सा हो रहा है, इसको तो नहीं धो पाएंगे, ये गंदा भी हो जाएगा, इसको नहीं धो पाएंगे। तकिए वगैरह कवर चढ़ा दिए, गुड्डू तन में बैठे थे यहाँ पे तो फिर मैंने बिछाई नहीं थी, मैंने कहा चलो छोड़ो। और इसी वाले गद्दों के लिए मुझे मंगाना है मैट्रेस प्रोटेक्टर, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, डिलीवरी लेट हो रही है कोरोना की वजह से, चेक करूँगी रात में, स्टेटस भी नहीं चेक किया उनका, ट्रैक कर लेते हैं ना तो पता चल जाता है कहाँ तक पहुँची चीज़ें कहाँ तक नहीं पहुँची। Thank you.
रही हूँ किचन में। यहाँ पे जो है क्या रखा हुआ है, ये चावल और ये दाल, ये शायद राजमा उड़द की दाल है। और यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो आपको पता ही है, आलू बीन्स की सब्जी। ये खाकर कप का जा चुके हैं। बच्चों से भी मैंने पूछा था तो वो कहने लगे कि नहीं हमें नहीं खाना है, तो अभी मैंने पूछा तो कह रहे हैं हाँ खाना है, तो मुझे भी खाना है। ये पानी चल रहा है और मैंने ना बर्तन वगैरह कर दिए थे, थोड़े से हुए थे चकला बेलन वगैरह, क्योंकि चकला बेलन का क्या होता है ना, हाँ तो अब कर देना चाहिए परात वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। अब मैंने रोटी भी बना के रख दी थी उसी टाइम, मुझे नहीं पता था भाभी के घर से दाल चावल आने वाले हैं, बनाए होंगे तो जो है उन्होंने भिजवाए। कोई है गेट पे तो अब हम खाएंगे दाल चावल भी और रोटी सब्जी भी। तन्मय क्या लेगा, आलू के साथ रोटी? पूछती हूँ क्योंकि राजमा उड़द, राजमा उड़द की दाल और क्या नाम है चावल, हाँ तो दोनों चीज ले लो। तन्मय से पूछियो। चलो फिर चलते हैं अंदर, आप लोग भी खाना और मैं भी खाऊंगी। यहाँ बैठेंगे बाहर का नज़ारा देखते हुए, बच्चे दोनों अंदर टीवी देखते हुए खा रहे हैं। और मैंने थोड़ी सी आलू बीन्स ले ली है, थोड़ी सी दाल, एक रोटी, चावल, दोनों बच्चों ने चावल लिए हैं थोड़े थोड़े से, गुड्डू ने रोटी भी ली है, तन मैंने बस चावल चावल लिए हैं। और मैं दही भी वो करने वाली थी, फिर मैंने कहा छोड़ो बरसात हो रही है, मैं लूँगी फिर बच्चे भी लेंगे ही लेंगे, तो मैंने कहा मैं भी नहीं देती ना, बच्चों के सामने जिक्र किया, अभी जा ही नहीं रही होगी आवाज़ क्योंकि टीवी चलाया हुआ है। खाइए, तो चलिए मैं भी खाती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। देखो मेरे से क्या हो गया, मैं ना खाना खा के आई अभी और मैं इसको ठीक कर रही थी, ये इधर हो रहा था और ये जो है टूट गया टूट गया, कितना सुंदर था ये, और ये जगह ना अब खाली खाली लगेगी। अब मैं सोच रही हूँ इसको हटा दूँ यहाँ से के रहने दूँ, मतलब हटाऊंगी तो हुई मैं इसको, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर रहने दूँ, पर एक ये सोच रही हूँ कि अगर ये नीचे गिर गया फिर तो बहुत काम फैल जाएगा ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मैं इसे सीधा कर रही थी और सीधा करने के चक्कर में मैं ऐसे करना चाह रही थी, इसे टूट गया जी। ये हमारा 2 साल चला, शायद 400 का आया था, एक और लाएंगे अब, ऐसे एक नहीं मिलता शायद, ये 2 का जोड़ा मिलता है। और आज है बुधवार और आज मेरा कोई वीडियो नहीं गया। वीडियो क्यों नहीं गया, पहले मैं टाइम दिखाती हूँ 2 बजने वाले हैं, तो खाना पीना सब निमट चुका है, सारा काम हो चुका है दोपहर का, अब शुरू होगा शाम का काम, पसीने आ जाते हैं आजकल तो, वैसे चलो मौसम ठीक हो रखा है। तो मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया उस क्या कर रहा है, उसी दौरान जो है मेरा वीडियो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़े से कॉमेंट पढ़ लेती हूँ। ये देखो अलमारी ना, ये ऐसे हो जाती है, बंद नहीं होती। और कोई कह रहा था ना आप इसके ऊपर से सामान हटा दो फिर ठीक हो जाएगा, नहीं ये पहले भी हुआ था ऐसे ही ना, ये ठीक नहीं होता क्योंकि इसमें जो है अभी तो ये इसलिए हो रहा है, गुड्डू ने लिए 10 रुपए और उसने ये बंद नहीं किया ठीक से, अब ये बंद तो अलमारी लूंगी लेकिन अभी नहीं, मेरा मन नई चीज ज्यादातर लेने का मन करता है, नया साल या किसी का कोई खास दिन हो या फिर दिवाली हो, ले आई। तो मैंने ना कुछ कमेंट्स पढ़े, वो गलत नहीं है लोग जो मेरे को बोल रहे हैं, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं यहाँ अपने फ़ोन का ना लॉक खोल रही थी, मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैंने फ़ोटोज़ ली सूट की, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। देखिए मैं कोई भी चीज़, कोई भी घर में खुशी अपने आप इसलिए नहीं, मतलब खुशी तो भगवान करे आए रोजाना और मैं शेयर करूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का कोई भी बहुत जो भी मेरे साथ हाल फिलहाल में हुआ है वो बहुत बड़ा झटका है,
मेरे लिए, जिससे उभर पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत टाइम चाहिए होता है उसके लिए, और मैंने लिया भी कुछ टाइम तो मैंने लिया, लेकिन मेरे साथ विपिन थे तो मुझे इतना वो नहीं हुआ। अब आप लोग बोलोगे फिर मैं पहेलियां बुझा रही हूँ, फिर मैं समझती हूँ उस चीज को, लेकिन मैं इतना कहूंगी आप लोगों को हाथ जोड़कर कि वो सब मैंने व्यूज के लिए नहीं किया। कोई भी मैं आपको बात बताती हूँ, चाहे मैं थोड़ी सी बताकर छोड़ू चाहे मैं पूरी बताकर छोड़ू, वो हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में हुई होती है तभी मैं शेयर करती हूँ। और बाकी तो सभी लोग मुझे समझते हैं, दो चार लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि व्यूज के लिए कर रही हो या इसलिए कर रही हो उसलिए कर रही हो, तो ऐसा नहीं है। भगवान ना करे वो चीज किसी की जिंदगी में आए वो व्यूज के लिए करे या हमदर्दी के लिए करे या जो भी चीज है। चलो हम तो यूट्यूब पे हैं तो व्यूज का लग जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि व्यूज के लिए है वो चीज। मैंने FIR दर्ज सच में कराई है, प्रूफ ही चाहिए अगर, तभी आप लोगों को यकीन आएगा। अगर गलती ये हो गई कि जब FIR कराई तब मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझसे नहीं होता पुलिस स्टेशन जाते वक्त, और थोड़ा डर भी तो लगता है उस टाइम। पहली बात तो ये सारी चीजें नहीं सूझती, दूसरी चीज वहां ये भी तो लगता है यार हम फोन निकालेंगे, बोलेंगे फोन क्यों निकाल रहे हो, वीडियो क्यों बना रहे हो, थोड़ा सा वो होता है ना। दूसरी चीज उस टाइम मुझे सूझा ही नहीं, उस दिन मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की जिस दिन ये सारी चीजें हुई, जिस दिन ये केस दर्ज वगैरह ये सारी चीजें हुई, तो वो चीज भी मैं आपके साथ फिर कैसे शेयर कर दी। लेकिन जैसा कि कल का टाइटल था, आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो टाइटल मैंने क्यों रखा, जबकि मैंने केस कराने की बात पूरी वीडियो में कही नहीं की, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने ये काम किया है। संडे वाले दिन रविवार को मैंने सच में, मैं विपिन ने और मैंने सच में किसी के ऊपर FIR दर्ज कराई है। हाँ नाम नहीं पता, क्योंकि अभी तक खुद हमें नाम नहीं पता कि वो बंदा कौन है जिसने वो चीजें की हैं। बहुत कमेंट आया था निशा जी का, निशा उनका नाम निशा जोशी है शायद, या निशा तो है कन्फर्म है, लेकिन मुझे बाद का नहीं पता, बाद में क्या लगाते हैं वो नाम में, लेकिन उनका कमेंट था। उन्होंने बहुत क्लियर बता रखा था कि मेरे साथ क्या हुआ है, शायद उन्होंने वो चीज देखी होगी कहीं या पढ़ी होगी। उनके उस कमेंट को पढ़ने के बाद कुछ चार पांच लोगों को पता चल गया था, लेकिन फिर निशा जी ने बोला कि रश्मि मैं कमेंट डिलीट कर रही हूं अपना। उन्होंने ठीक ही किया, कमेंट डिलीट कर दिया। तो अब आप बताइए, अगर मैं झूठ बोलती, निशा जी को मैं क्या जानती हूँ, वो बहुत दूर से हैं, मैं बहुत दूर से हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि वो दूर से हैं या पास से या कहाँ से हैं, लेकिन हाँ उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। हाँ मैं जिस दिन ये सारी चीजें होंगी, पता चलेगा किसने किया है, मैं शेयर करूंगी उस दिन। लेकिन प्लीज ये मत कहिए कि व्यूज के लिए, इसीलिए मैंने आपको टाइटल में बताया। एक कमेंट ये था कि रश्मि समझने वाले समझ गए क्योंकि तुमने टाइटल में सारी बात लिख दी, तो वो समझ गए। नहीं मैं दे रही हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ, इसे कपड़े वपड़े देती हूँ। ये आ गए हैं शायद, गाड़ी की आवाज आ रही है, देखते हैं बाहर चल के पहले आएंगे फिर जो है सीधा नहाने जाएंगे। अभी नहीं आए क्योंकि गाड़ी उधर की साइड खड़ी करते हैं। चलो बाहर चल के देखते हैं। मैं ना बहुत चप्पलें इधर उधर करता है बहुत ज्यादा, और बैग इन्वर्टर पे रख दिया अपना, कुछ लाए भी थे ये बता रहे थे, गुड्डू की डांट पड़ी ना कि संगवाते नहीं हो, तो आज ना उसने मम्मी मैंने सब संगवा दिया, बस बैग फैला हुआ है। हाँ लौकी की लोज बना लूं क्या, लौकी भेजी है सामने वाली आंटी ने, उनके यहाँ लग रखी है घर की ताजी लौकी, देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। मुझे तोरी भी बहुत पसंद है, तोरी में रोटी चूर के आए हाय मजा आ जाता है। पंखा बंद कर देते हैं, जोत लगाऊंगी अभी तो टाइम नहीं हुआ। सब्जी रखी हुई है क्योंकि भाभी के हाथ से आ गया था, तो उसे ही हम दोबारा फ्राई करेंगे। ये नहीं आए अभी, क्या तो रहे थे, गाड़ी की भी आवाज आ रही थी, तो ये लगाई है उन जो हमारे यहाँ आती है ना, तो उन्होंने ये लगाए हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है। और एक पौधा ये लगाया है कि इस पे फूल आएंगे, एक और लगाया है उधर, बाकी मैं जाऊंगी एक दो दिन में लाऊंगी। और देखो मकड़ी, डर लगता है, सबके लिए लाने हैं और इनकी केयर करनी है, बीच में हो नहीं पाई थी केयर। कपड़े देखती हूँ, सेटिंग करती हूँ इनके अंदर बाहर करके, यहाँ तो गाड़ी वाड़ी आएगी फिर उतारना पड़ेगा, ये तो सूख गई चादरें,
तो यहाँ पे मैं कपड़े समेट लूँगी, जो सूख गए हैं उनकी तह बना लूँगी, जो गीले हैं उनको स्टैंड पे ही रहने दूँगी, कुछ गीले हैं उनको तार पे रहने दूँगी, और कुछ हल्के फुल्के गीले हैं मतलब थोड़े से जो है हवा निकलने की कसर है, उनको मैं अंदर ले जा लूँगी, अंदर डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं वही सब कर रही हूँ, थोड़ा यहाँ से समेट दूँगी, जैसे स्टैंड साइड में कर दूँगी, फोल्डिंग वगैरह खड़ा करके दूसरी साइड रख दूँगी। फोल्डिंग भी हम रात में अंदर ही ले जा लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 4-5 जने बेड पे कहाँ आते हैं, 3 जने भी थोड़े वो रहते हैं, 3 तो फिर भी चलो आ जाते हैं, 4 तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पे फोल्डिंग तो हम रात में ही अंदर लेकर जाएंगे। तन्मय से डर लगता है क्योंकि फोल्डिंग गिरता है ना, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उसने एक दो बार किया है, जैसे मैं शाम के टाइम अंदर खड़ा कर आती हूँ तो डर लगता है बच्चा चोट भी ना लगवा ले। तो ये आ चुके हैं क्योंकि इनका टाइम 6 से 7 के बीच में ही होता है आने का, कई बार 5 भी आ जाते हैं, 5:30 भी आ जाते हैं, जैसे कि सैटरडे संडे को। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों में से जो लोग नहीं समझ रहे थे मेरी बात को, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक लोगों की बात कर रही हूँ, तो काश वो अब मुझे समझेंगे, उम्मीद करती हूँ बस। और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मैं ये व्यूज़ के लिए करती तो ये बात अब से 20 20 दिन पुरानी हो गई है, 20 22 दिन तब मैं कर चुकी होती अगर व्यूज़ के लिए होती। तो चलिए अभी जो है बाय बाय करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।